एक एसी को रीइंस्टॉल करने के लिए अभी हम बड़ेल जा रहे हैं। ये परसरमा के पास पड़ता है। एसी का जो है सिर्फ इंडोर यूनिट को घसकाना है, उसका डायरेक्शन चेंज करना है, क्योंकि वो कोई दीवार खड़ा करने वाले हैं जिसमें एसी का पाइप जो कुछ अड़चन डाल रहा है। तो फिर चलिए चलकर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उस एसी के साथ कस्टमर को, और फिर उसका प्रॉब्लम को दूर करते हैं। चलिए, यही एसी है भैया, ये जो है 2020 का लेटेस्ट मॉडल एसी है। देख ही रहे हैं कि कितना स्टिकर फेस्टिकर चिपका हुआ है, और ये 5 स्टार में इन्वर्टर एसी है। इसको 40% पे कस्टमर जो चला रखे हैं पहले से ही, तो चालू कर दिए ताकि इसका गैस जो हम रिस्टोर कर सके। अब हम आ गए हैं इसके छत पर, और इसका आउटडोर यूनिट जो यहाँ स्टैंड के साथ लगा हुआ है, पाइपिंग इसका देखिए कैसे जो है लटपटाए हुआ है इसमें। बाकी इसका घसकाने का रीजन है यह, देखिए यहाँ ये नीचे से पिलर खड़ा कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि पिलर के ऊ बगल दें, पिलर के ही बगल घर हो जाएगा। आउटडोर यूनिट जो है चल चुका है फुल स्पीड में। अब इसका जो है क्वार्टर वाला नीचे वाला जो है बंद कर रहे हैं ताकि गैस को फेंकना बंद करे और खींचना चालू रखे। अभी ये सकिंग चालू है ताकि ये गैस को अंदर जो है रिस्टोर कर सके। बंद कर दीजिए। आउटडोर यूनिट जो है बंद हो चुका है, मतलब गैस स्टोर करते ही जस्ट बंद करना भी होता है, फट से बंद हो गया। अब बैक साइड आ गया इनका, देखिए इधर से पाइप निकला है और अड़चन जो यहीं इसको जो है दे रहा है, ये पाइप जो है ये पिलर खड़ा कर रहे हैं सरिया डाल करके, और ये पिलर के अंदर हो गया। अंदर तो रूम रहेगा, इसीलिए पिलर के इस तरफ करेंगे, पिलर के राइट साइड करेंगे पाइप को हॉल करके। देखिए पाइप तो खोल लिए हैं, इसको सीधा कर रहे हैं ताकि अंदर से जो है इंडोर यूनिट को आराम से निकाल ले। ई का निकल रहा है इसके अंदर से, जैसे लग रहा है कि ऐसी गुटका खाया था। अब रह गया प्लेट, प्लेटों को खोल लेते हैं। इस साइड ऑफ हो गया, इसे डाउन रुक जाइए, बता देते हैं। पलेटवा तो ठोक दिए भैया, अब इसके बगल में बिल करना है। 10 इंची का दीवार है, काफी मजबूत दीवार है भैया, जितना बड़ा बिल ही है उतने बड़ा करना है, अब पता चलेगा। आखिरकार करिए दिए छेद, पहले वाला अच्छे से थोड़ा छोटा किए हैं एकदम परफेक्ट। अब इसको घुसिया देते उसमें। इंडोर यूनिट भी बैठा दिए एकदम बढ़िया तरीका से, एकदम परफेक्ट लाजवाब। अब ये जो है पहले वाला छेद से काफी डिस्टेंस पे है। अब आ गए आउटडोर यूनिट पे, और इसका पाइप देखिए कैसे ओझरी वजरी लगा हुआ था, इसको भी तो ठीक करना है। आउटडोर के पास पाइप को एडजस्ट करके आ गए अब ये इनके बैक साइड में, ये पन्नी बांध के घुसाए थे ताकि इसमें मट्टी नहीं घुसे। अब इसको जो है ऊपर कर देते हैं ताकि ज्वाइंट कर सके हम ये आराम से। काम जो यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं, देखिए पूरे एकदम परफेक्ट तरीके से। इधर इसमें टेप भी लपेट दिए, इधर से चढ़ के छतों पर आ गए। अब आउटडोर यूनिट का काम है बचा हुआ। तो
सक्शन वाले के पिन को दबाए हुए हैं और डिस्चार्ज वाला खोले हैं हल्का, क्योंकि हवा निकला। और ये हम क्या किए हैं आप ही लोग बताइएगा। ले भैया, अब हमारा एसी शिफ्टिंग का काम जो है कंप्लीट हो गया है। इंडोर यूनिट को थोड़ा पोछ पाछ कर रहे हैं ताकि जो धूल वूल पड़ा है वो साइन आ जाए। तो हमारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। देखिए कितना घसका दिए हैं।